देखो इंक्लाइन प्लेन के अंदर क्या है इंक्लाइन प्लेन, सपोज करो आपके पास ये एक वेज है ऐसा, ये एक इंक्लाइन प्लेन है, इंक्लाइंड है ना, इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ क्या थीटा, ये एक इंक्लाइन प्लेन है। अब होगा क्या इसमें, इसके अंदर सपोज करो यहां पर एक मैंने क्या रख दिया मास रख दिया, ये मास है और कितना मास है इसका m, इस ब्लॉक का मास इज m, राइट। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि इस ब्लॉक का वेट कितना है, आप क्या बोलेंगे m इंटू जी, ऐसा बोलेंगे वेट कितना है mg, क्योंकि किसी भी मास को 9.8 से मल्टीप्लाई कर दें तो उसका वेट आ जाता है, ये भी क्लियर है। हम जब मार्केट जाते हैं बोलते हैं भैया जरा सेब तोलना, हो गए जी 2 किलो सेब हो गए आपके, तो इसका वेट कितना हो गया 2 किलो हो गए, बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। उसको बेचारे को मास नहीं पता इसलिए वो वेट भार तोलना ऐसा बोलता रहता है, जबकि स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। अगर 2 kg है तो फिर वो मास है, वो उसका वेट नहीं है। वेट के लिए क्या करना पड़ता है, मास को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट का मास m है उसको आप जब g से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या बनता है वेट, और वैसे भी मास इनटू एक्सेलरेशन क्या होती है फोर्स, तो वेट के यूनिट क्या होंगे न्यूटन, तो वेट के यूनिट kg नहीं है, वेट के यूनिट न्यूटन रहते हैं, समझ में आ रहा है। अब ये नहीं कह सकता ना वो कि सेब 2 न्यूटन के हो गए या 20 न्यूटन सेब हो गए, अब उसको बेचारे को क्या पता न्यूटन भी कोई चीज़ है, तो वो बस kg किलो करते रहते हैं, एक्चुअल में उनको वैसे किलो भी नहीं पता होता, ठीक। बट पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक कि एक्चुअल में क्या चीज़ है, तो वेट के यूनिट न्यूटन में रहेंगे। अब रूल नंबर 1 वो क्या कि अगर सपोज करो ये ब्लॉक है, इसका वेट एक्ट कहाँ करेगा, क्योंकि वेट आपने कहा mg फोर्स है एंड फोर्स इज अ वेक्टर, और वेक्टर की क्या होती है डायरेक्शन, तो इस फोर्स वेक्टर की डायरेक्शन बोलो कहाँ है डाउनवर्ड, ऐसा क्यों, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहाँ होती है डाउनवर्ड। क्या ये स्टेप क्लियर है, वेट हर हालत में नीचे ही लगेगा, जहां मर्जी ऑब्जेक्ट को जाके छुपा दो अर्थ उसे नीचे खींचेगी, अपनी सेंटर की तरफ ही खींचती है। तो आप अगर मैं यहां रख दूं टेढ़ा कर जैसे मर्जी रख दो, वेट ने तो नीचे एक्ट करना है, बात खत्म, कोई ना पूछे वेट कहां एक्ट करेगा, वेट हमेशा नीचे वेक्टर ड्रॉ करना है, क्लियर हो गया यहां तक। नेक्स्ट, अब इसमें हम एक काम करते हैं, इसको सॉल्व करने के लिए हम एक इमेजिनरी लाइन यहां खींचते हैं, इमेजिनरी है ये, अगर सपोज करो ये थीटा है तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से ये एंगल भी क्या है थीटा है, तो थीटा है तो क्या है थीटा है, कोई डाउट इसमें। हम एक और इमेजिनरी लाइन यहां पे खींचते हैं, ये वो इमेजिनरी लाइन है, ये ऐसे, ये जो लाइन है ये इस वेज के साथ एंगल क्या बना रही है 90, तो एंगल क्या है यहां पर 90, क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक, ठीक। इसका फायदा बताता हूं, अगर ये थीटा है तो मुझे बताओ कि ये और ये आपस में क्या है 90 पे हैं, तो अगर ये थीटा है तो ये कितना है 90 माइनस थीटा है, कोई डाउट इसमें, थीटा है तो 90 माइनस थीटा है, अच्छा ये और ये 90 पे हैं, तो अगर ये 90 माइनस थीटा है तो ये कितना है थीटा है, कोई डाउट इसमें, ज्योमेट्री है कुछ भी नहीं किया मैंने, ये थीटा तो थीटा कॉरस्पॉन्डिंग, ये थीटा तो 90 माइनस थीटा, और ये दोनों 90 पे हैं तो ये थीटा। तो इन टाइप की प्रॉब्लम्स में ये वेज है एंगल थीटा है, वेट कहां पर है नीचे है, वेट नीचे है, वेट नीचे है, एक लाइन इसके पैरेलल, और ये थीटा तो कॉरस्पॉन्डिंग से थीटा, ये लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर, तो अगर ये थीटा तो ये पिंक लाइन जो है इसके साथ 90 डिग्री पे, तो 90 माइनस थीटा, ये और ये 90 पे है तो 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा। यहां तक क्लियर है, कोई डाउट इसमें। तो आज के बाद जब ये टाइप की प्रॉब्लम आएगी इंक्लाइंड प्लेन की, तो कोई भी ये ज्योमेट्री ना लगाए, ये तो वैसे समझाने के लिए आपको पूछेगा थोड़ी ना, आपसे कोई नहीं पूछेगा ये, आप सिंपली एक ही चीज कहें कि अगर ये थीटा है और ये वेट mg है और ये एक लाइन मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ की इसके साथ, तो ये एंगल भी क्या पाया जाएगा थीटा, तो अगर ये थीटा तो ये भी थीटा, कोई डाउट इसमें, पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक। ये ज्योमेट्री सिर्फ आपको समझाने के लिए, आपने आज के इसको यूज नहीं करना, सीधा उठा के ये एंगल क्या कर देना है
थीटा, कोई डाउट इसमें? ठीक है, अब इसका फायदा क्या होगा? देखो फायदा ये होगा, वेट जो है ना वो एक फोर्स है, तो ये अगर फोर्स है वेट, तो mg के दो कंपोनेंट्स बनेंगे, पहला कंपोनेंट क्या बनेगा? mg cos थीटा, और ये कंपोनेंट क्या बनेगा? mg sin थीटा, mg cos थीटा, mg sin थीटा, क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? ठीक है, तो फोर्स का इस वेट का थीटा के साथ वाला कंपोनेंट cos बनेगा, और इसके परपेंडिकुलर क्या बनेगा? mg sin थीटा बनेगा, राइट? ठीक है यहां तक। अब इसमें मैं अगर ये पूछूं कि ये ब्लॉक फ्रिक्शन तो है नहीं, इंक्लाइन प्लेन पे ब्लॉक को रखोगे खिसकता हुआ आपकी तरफ नीचे आ जाएगा, नीचे आएगा, कौन सी फोर्स इस ब्लॉक को नीचे लेके आ रही है? तो आप क्या बोलेंगे? mg sin थीटा, mg नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? mg sin थीटा, क्योंकि ये फोर्स आपके इंक्लाइन प्लेन के साथ साथ चल रही है। क्या ये पॉइंट क्लियर है? तो ये देखो, मान लो इस ब्लॉक का मास कितना है? 5 kg, इसका वेट क्या होगा? 5g, तो 5 कई लोग सोचते ग्राम, ना ना ग्राम नहीं है, 9.8 है, ये बहुत कंफ्यूजन होती है, सर 5 ग्राम गिवन है, नहीं ग्राम नहीं है ये, जी फॉर 9.8 है, या 10 ले लो, 50 न्यूटन है, तो ये 5g है, ये 30, तो ये भी क्या लिखना है? 30, ये लाइन ड्रॉ कर लेनी है इसके साथ ही इमेजिनरी। तो मैंने आपको प्रूफ बताया कि अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा होगा, तो mg के 5g के दो कंपोनेंट्स होंगे, पहला कंपोनेंट 30 के साथ क्या? mg 5g cos 30, और दूसरा कंपोनेंट इसके परपेंडिकुलर कितना? 5g sin 30। क्या ये स्टेप क्लियर है? ठीक है, तो कौन सी फोर्स इस ब्लॉक को इंक्लाइन प्लेन के साथ साथ लेके आ रही है? आप क्या बोलेंगे? 5g sin 30। इसे सॉल्व करना पड़ेगा, 5 × 10 या 9.8 इंटू साइन ऑफ 30 का मतलब हाफ। क्या ये पॉइंट क्लियर है? ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन ये आएगा कि अगर इसका वेट mg है और ये एंगल थीटा, तो ये भी एंगल थीटा, तो वेट के दो कंपोनेंट्स हैं mg cos, mg sin। एक अनइंटेंशनल और एक कॉमन मिस्टेक जो स्टूडेंट करता है, जान के नहीं करता, वो हो जाती है कई बार, कईयों से हो जाती है, क्या वो क्या करता है कि ये रहा आपका इंक्लाइन प्लेन, ये रहा ब्लॉक mg, ये रहा वेट mg, ये क्या है? थीटा। तो एक लाइन ड्रॉ करनी होती है परपेंडिकुलर ऐसे, तो वो क्या करता है? ये एंगल लेता है थीटा, और ये क्या लेता है? mg cos थीटा। तो इसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट नीचे लेने की बजाय क्या ले लेता है? ऊपर, क्योंकि वो कहता है कि ये और ये आपस में 90 डिग्री पे होने चाहिए, तो ये भी 90, ये भी 90, मुझे क्या पता कि कौन सा लेना है, कॉमन मिस्टेक है। बट अगर मैं आपकी बात मान लूं कि चलो यार ठीक है, mg sin थीटा ऊपर ले लो, तो सोचो मैं इंक्लाइन प्लेन जाके बैठ गया, मेरा वेट है mg, मैं बैठा ही था, मेरा फोर्स mg sin थीटा ऊपर लग गया, और मैं आराम से बैठा ऊपर ऊपर चढ़ता जा रहा हूं, ऐसा कभी होता है नहीं, मैं कहां गिरूंगा? नीचे। तो mg sin थीटा कभी भी ऊपर एक्ट नहीं करेगा, mg sin थीटा का एक्ट करेगा? नीचे एक्ट करेगा। क्या ये पॉइंट सबको क्लियर है? तो ये हो जाता है, स्टूडेंट कर जो कम प्रैक्टिस करते हैं, लिख के प्रैक्टिस नहीं करते, वो भूल जाते हैं कि ऊपर लगाऊं कि नीचे लगाऊं, तो आपका जो आंसर होगा वो हमेशा नीचे ही होगा। क्लियर है? तो कौन सी फोर्स से ये नीचे आ रहा है ब्लॉक mg sin थीटा? अच्छा, अगर मैं ये पूछूं कि एक्सेलेरेशन बताओ, मास की नीचे नहीं कि एक्सेलेरेशन क्या होगी? एक्सेलेरेशन क्या होता है? फोर्स अपॉन मास। तो फोर्स को, कौन सी फोर्स ब्लॉक को नीचे लेके आ रही है? mg sin थीटा को किससे डिवाइड कर देना है? मास से। तो कैंसिल मास और मास, तो एक्सेलेरेशन क्या आएगी? g sin थीटा। तो आज के बाद अगर इंक्लाइन प्लेन पे ब्लॉक को छोड़ दिया जाए, कौन सी फोर्स ब्लॉक को नीचे लेके आएगी? mg sin थीटा। वो कितनी एक्सेलेरेशन से नीचे आएगा? g sin थीटा। क्या ये पॉइंट क्लियर है? याद हो जाती है लोगों को वैल्यू, तो ये इतना करने की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि फर्स्ट टाइम अरे हम, तो पहले लेक्चर में बताना पड़ता है ऐसे, लेकिन जब 10-15-20 क्वेश्चन करेंगे तो फटाफट आप आंसर देंगे, mg sin थीटा, mg sin थीटा, g sin थीटा, g sin थीटा, फटाफट आंसर आ जाएगा आपका। पॉइंट समझ में आ रहा है? कोई डाउट इसमें? फोर्स का चैप्टर ऐसा है, फोर्स के चैप्टर में कोई फॉर्मूला नहीं, बस ऐसे लाइव है, सीधा बस क्वेश्चन देख के करेंगे, जो करेंगे घर से कुछ नहीं करके आ सकते आप। हाँ, आप देख सकते हो कि कौन sin फोर्स कहाँ लगेगी, बस यही देखना होता है, mg sin नीचे लगेगी या mg sin थीटा ऊपर लगेगी, बस। अगर आपको ये पता है उसके बाद तो आंसर अपने आप आते हैं। ये फोर्स है, इसलिए लोगों को अच्छी लगती है फोर्स, क्योंकि ज़्यादा स्ट्रेस नहीं है उसमें, ऐसा नहीं है कि इसमें याद करना पड़ेगा, इतना कुछ याद करने वाला नहीं है, सही है? तो जैसे ये प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है? एक ब्लॉक है जिसका मास क्या है? m है, और 5 kg है, इंक्लाइन प्लेन पे है, और रेस्ट से रिलीज कर दिया, स्लिप करता हुआ कहाँ आ रहा है? नीचे आ रहा है, एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। तो हाइट कितनी है? 10 मीटर। क्वेश्चन है
कि आपको ये बताना है कितने समय में, कितने टाइम में ये ब्लॉक यहाँ से यहाँ लैंड करेगा, टाइम बताना है। आप बस मुझे ये बताएं कि इसके अंदर ये ब्लॉक स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा कि नहीं करेगा। क्या ये मोशन इन 1D की प्रॉब्लम है? है, स्ट्रेट लाइन मोशन है ना, बिल्कुल ऐसे तो नहीं आ रहा, सीधा आ रहा है ना। और अगर स्ट्रेट लाइन मोशन है तो इनिशियल वेलोसिटी क्या है इसकी? जीरो। तो एस डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा, डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा वो निकाल लो। आपको हाइट गिवन है, डिस्टेंस तो गिवन नहीं है, कोई बात नहीं, राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है। तो इसमें साइन 30 क्या होगा? 10 अपॉन एस। साइन 30 10 अपॉन एस, तो साइन 30 क्या है? हाफ। तो एस की वैल्यू क्या आ गई? 20। कोई डाउट इसमें? तो आप एस कैन बी कैलकुलेटेड। अब ये काइनेमेटिक स्टार्ट हो गया, कैसे? इनिशियल वेलोसिटी क्या है? जीरो। एस की वैल्यू कितनी है? 20। आपको क्या निकालना है? टाइम। यू कैन अप्लाई एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ 80 स्क्वायर। तो जब आप ये अप्लाई करेंगे तो एस आपको निकालना है, सॉरी एस आपको गिवन है 20, ये जो भी यहाँ 20। इनिशियल वेलोसिटी क्या है? जीरो। प्रॉब्लम एक्सेलरेशन की है, इंक्लाइंड प्लेन पे एक्सेलरेशन क्या होती है? जी साइन थीटा। अभी क्या था ना, जी साइन थीटा, तो जी इंटू साइन ऑफ 30, ये याद आ रहा है? ऊपर किया था एम जी साइन 30 को एम से डिवाइड करके जी साइन थीटा। तो ब्लॉक की एक्सेलरेशन नीचे आने की क्या होगी? जी साइन थीटा। तो साइन 30 इज हाफ 5। तो एक्सेलरेशन पता लगी ब्लॉक के नीचे इंक्लाइन प्लेन के साथ, तो एक्सेलरेशन की जगह यहाँ पर 5 पुट करेंगे और यहाँ पर टाइम निकालना है, टाइम कैन बी कैलकुलेटेड। मेन जो रोल है वो किसका है? एक्सेलरेशन का है। कोई डाउट इसमें? पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक? एक्सेलरेशन का रोल कैसे है इसमें? ठीक है, कॉन्स्टेंट वेलोसिटी कैसे होती है? मैं रेस्ट पे बैठा था, झूला ले रहा हूँ, बच्चा कैसे झूला लेता है? यू इज इक्वल टू जीरो, एकदम तेज 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 तेज। आप वाटर स्पोर्ट्स में जाओ ना, वो एकदम बड़ी बड़ी स्लाइड्स होती हैं, पहले आराम से फिर एकदम मैक्सिमम वेलोसिटी नीचे आते हो आप, एक्सेलरेशन है उसमें। तो जो स्लाइड्स होती हैं उसमें एक्सेलरेशन जी साइन थीटा होता है, जितना एंगल थीटा बड़ा होगा एक्सेलरेशन उतनी ज़्यादा होगी, स्पीड उतनी ज़्यादा होगी। क्लियर है यहाँ तक? तो आइडिया क्लियर है कि क्वेश्चन कैसे होंगे? अच्छा, ठीक ठीक है यहाँ तक। आप एक काम करें, एक प्रॉब्लम में हाथ से सॉल्व कर लें प्लीज़, ताकि आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाए। सबसे पहले तो आप ये डायग्राम ड्रॉ कर दें फोर्सेस का, कि अगर ये एंगल, ठीक है, अगर ये एंगल 60 डिग्री है, ये ब्लॉक है 8 केजी का ब्लॉक है, तो आपको ये बताना है कि ये जो डिस्टेंस है एस कितना होगा जब ये ब्लॉक यहाँ से चला था यू इज इक्वल टू जीरो से, और यहाँ से यहाँ आने में उसको टाइम 10 सेकेंड लगा, तो कैलकुलेट दी वैल्यू ऑफ एस, एस निकालना है। इसमें क्या करेंगे? पहला स्टेप क्या होगा? देखो ये ना स्टेप आपको आना चाहिए, ये बनाने ही बनाना है। देखो ये हैबिट डाल लो, क्या इसका वेट कितना है? 8g, ठीक है। एक लाइन पर पेंडिकुलर इसकी आदत डालो, ये एंगल कितना है? 60। तो ये क्या होगा? 8g cos 60, और नीचे की तरफ फोर्स क्या होगी? 8g sin 60। तो क्योंकि नीचे की जो फोर्स है ना, फोर्स इंक्लाइन प्लेन में कितनी है? 8g sin 60। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी? 8g sin 60 डिवाइडेड बाय 8। तो आप स्ट्रेट वे लिख भी सकते थे g sin 60, मैंने बताया था ना g sin थीटा, एक ही बात है। तो एक्सेलरेशन आ गई, ठीक है। तो u इज इक्वल टू जीरो, तो यू कैन अप्लाई s इज इक्वल टू ut,
प्लस हाफ 80 स्क्वायर। एस की वैल्यू आपको निकालनी है, इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, हाफ एक्सेलरेशन की जगह जी इंटू साइन ऑफ 60 और टाइम की वैल्यू इसमें 10 का स्क्वायर। साइन 60 सबको पता है रूट 3/2, यहां से आंसर निकाल लेना। मेथड समझ में आया? मेन चीज है आप एक्सेलरेशन को कैसे यूज करते हैं इंक्लाइन प्लेन पे। आप जी नहीं यूज कर सकते, आपको इंक्लाइन प्लेन का कॉम्पोनेंट लेना पड़ता है जो कि हमेशा जी साइन थीटा आता है। ये स्टेप समझ में आ रहा है जी साइन थीटा का? बस इसमें यही मेन है, बाकी सब सेम है। हाँ जी 9.8 या 10 पुट का, हाँ पुट करनी है जी को, 10 पुट करना है इसमें। मेथड समझ में आ रहा है इंक्लाइन प्लेन की प्रॉब्लम में कैसे हैंडल करना है इसे? ठीक है यहाँ तक। नेक्स्ट जो है इसमें